नमस्कार, स्वागत है आपका एनीवन न्यूज़ में। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं तुहिना चौबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जमानत याचिका पर अब शनिवार को 10:30 बजे सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कल शनिवार है। यदि कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी या खारिज कर दी तो सलमान खान को जेल से बाहर निकलने के लिए सोमवार तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जमानत याचिका खारिज होने की स्थिति में सलमान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सलमान की जमानत पर बहस पूरी हो गई है। जज रविंद्र कुमार जोशी ने कहा है कि कल ऑर्डर दिया जाएगा। यहां बड़ी बात यह है कि सलमान खान को आज भी जेल में ही रहना होगा। सलमान खान की जमानत याचिका 51 पन्नों की थी, जिस पर सलमान के वकील ने बहस की। सलमान खान की जमानत से पहले उनकी सजा को टालने के लिए सुनवाई हुई। सलमान के वकील ने जज से गुजारिश की कि उनके मुवक्किल को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। वकील ने कहा कि सलमान को सजा देने में 20 साल लगे और ये भी किसी सजा से कम नहीं है। बहस के दौरान सलमान के वकील ने कोर्टरूम में जिप्सी का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने हिरण के पोस्टमार्टम और हथियारों को लेकर अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि हथियार जोधपुर से नहीं बल्कि मुंबई से मिले थे। गौर करने वाली बात है कि स्थानीय अदालत ने 20 साल पुराने दो काले हिरणों की हत्या के मामले में गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में ले जाया गया था, जहां उनकी रात गुजरी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने इस मामले में आरोपी अन्य कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। बीजेपी के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी देश भर में जश्न मना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस मौके पर देश की 5 संसदीय सीटों के हजारों कार्यकर्ताओं से संवाद किए। वहीं अमित शाह मुंबई में 3 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी न्यू इंडिया की पार्टी है। हम आभारी हैं कि हमें समाज के सभी आयु वर्गों के लोगों का समर्थन मिला है। हम वो पार्टी हैं जो भारत की विविधता, यूनिक कल्चर और 125 करोड़ भारतीयों की ताकत में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन यानी कि 6 अप्रैल को हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जन संघ से इस नई पार्टी का जन्म हुआ था। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जन संघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ। पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भाजपा की नींव रखी गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। भाजपा ने 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीती थी। 37 सालों के सफर में वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण और नितिन गडकरी इत्यादि भाजपा नेता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा को बखूबी फलीभूत किया है। उनके अमिट छाप सिर्फ अपने नेताओं पर ही नहीं विपक्ष पर भी पड़ी। विपक्ष आज भी उनके कार्यशैली की प्रशंसा करते हैं। 1998 में आम चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी जो 1 साल तक चली। इसके बाद आम चुनाव में राजग को पुनः पूर्ण बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस प्रकार पूरा कार्यकाल करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 2004 के आम चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और अगले 10 सालों तक भाजपा ने संसद के मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई। 2014 के आम चुनाव में राजग को गुजरात के लंबे समय से चले आ रहे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी जीत मिली और 2014 में सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज।
भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बूथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के नेता आई के जडेजा, बापूनगर के विधायक वल्लभ काकड़िया और काउंसलर अजय भदौरिया ने भी शिरकत की। यह भाजपा पार्टी का 38वां वर्ष है, जिसे मनाने के लिए पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा पार्टी के नेता आई के जडेजा द्वारा बताया गया कि भाजपा पार्टी मजबूत पार्टी और संगठन है जो मिलकर काम करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी राधिका शाक्य और मंत्रियों का एक दल, संसद सदस्य, सचिव और नेपाल सरकार के अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी भी भारत आए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान ओली दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ चारा घोटाला के 4 मामलों में उन्हें दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब झारखंड हाई कोर्ट ने भी उन्हें झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 11 मई को होगी। जानकारी के मुताबिक चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार मामले में कोर्ट ने लालू को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए लालू के वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले भी कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए समय की मांग की थी। संसद के आखिरी दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका और लोकसभा राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। पूरे सत्र में संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हुआ। संसद को ना चलने देने को लेकर विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे। बजट सत्र 2018-19 का समापन हो गया। 5 मार्च से शुरू हुए इस सत्र में कुल 23 बैठकें निर्धारित की गई थी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चला, जिसमें कुल 8 बैठकें हुई। इस तरह 68 दिनों से इस बजट सत्र में कुल 31 बैठकें तय थी। इस दौरान लोकसभा में करीब 28 विधेयक पेश किए जाने थे, वहीं राज्यसभा के एजेंडे में 39 विधेयक शामिल थे। लोकसभा में सिर्फ 5 विधेयक ही पारित किए जा सके, जिनमें वित्त विधेयक भी शामिल है। वहीं राज्यसभा से सिर्फ 1 ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 ही पारित हो सका। कामकाज के लिहाज से यह सत्र बीते 10 साल का सबसे हंगामेदार सत्र साबित हुआ। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी रही और कार्यवाही को एक दिन भी कई कई बार स्थगित करना पड़ा। इस बीच आंध्र के विशेष राज्य के दर्जे की मांग का मामला तूल में रहा। 5 वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर भी सियासत गर्मा है। कावेरी प्रबंधन बोर्ड के संविधान के खिलाफ कर्नाटक के कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां लेकर संसद परिसर पहुंचे। उधर कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर संसद भवन में पंजाब कांग्रेस सांसदों के भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर सांसद ने नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका और सदन का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। संसद न चल पाने का ठीकरा दोनों प्रमुख दल एक दूसरे के सिर फोड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। मुंबई
हमेशा से महिलाओं के लिए सुरक्षित मानी जाती रही है, लेकिन बीते गुरुवार को लोकल में महिला से बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सेफ मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों के मुताबिक घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है। ठाणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जा रही लोकल ट्रेन में कुर्ला और दादर के बीच दिव्यांग बोगी में एक शख्स चढ़ा और पहले से ही लोकल में सवार महिला से बदसलूकी करने लगा। विडंबना तो यह है कि बोगी में बैठे लोग महिला के साथ बदसलूकी होते देखते रहे। वीडियो भी बनाया, लेकिन उसे बचाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। बोगी में बैठे लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए मना तो किया, लेकिन महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आए। वीडियो में दूसरे डिब्बे में एक महाराष्ट्र सिक्योरिटी का एक गार्ड भी दिख रहा है। हालांकि दोनों डिब्बों के बीच ग्रिल लगी होने के कारण वो मदद नहीं कर पाया। हालांकि उसने इसकी जानकारी रेलवे कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद लोकल के दादर पहुंचते ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात विधानसभा में आपको एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, उसी के चलते आम आदमी पार्टी को गुजरात में खड़ा करने की योजना केजरीवाल ने बनानी शुरू कर दी है। इसके चलते आम आदमी पार्टी गुजरात की नई कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में गुजरात प्रदेश टीम में 26 सदस्यों की नई टीम बनाई गई। आपके गुजरात प्रदेश प्रमुख किशोर देसाई ने बताया कि इस बार आम आदमी पार्टी जमकर काम करेगी और लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में किशोर भाई सत्याग्रह छावनी में सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, जिसमें आपके सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। उसके बाद गुजरात विधानसभा के इलेक्शन के बाद पार्टी ने गुजरात में नई स्वरूप से नए ढंग से संगठन बनाने की रणनीति तैयार की। इसके मुताबिक अगले 2-3 महीने में हमने अलग अलग जोन में, अलग अलग ज़िले में सभाएं करके कार्यकर्ताओं को जोड़ के जोन की पहले टीम बनाई। अभी जिला की टीम बनाना काम पूरा हो गया है और जोन और स्टेट में जो लोग एक्टिव थे उसमें से अभी दो तीन दिन पहले 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के दिन हम दिल्ली में हमारे स्टेट के जो प्रभारी हैं गोपाल राय जी, उनकी उपस्थिति में हमने एक सभा की मीटिंग की और उसमें पूरे गुजरात के लिए एक टीम का प्रबंध हमने जारी रखा। करीब 26 लोगों की एक टीम गुजरात के लिए बनाई। उसमें मेन जो है कोर कमिटी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, महामंत्री, मंत्री, ट्रेजरर, मीडिया कोऑर्डिनेटर और अलग अलग जोन के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, इन लोगों को भी हमने स्टेट टीम में ले लिए। माँ की पेंशन लेते रहने के लिए एक बेटे ने उसके शव को 3 साल तक फ्रीजर में रखा। हर साल वो माँ के शव से अंगूठे का निशान लगाकर जीवित होने का प्रमाण बैंक में पेश करता रहा। इसके बाद अकाउंट में आई पेंशन की रकम को वो डेबिट कार्ड के जरिए निकाल लेता था। इस तरह वो 3 साल से हर महीने 50,000 रुपए पेंशन ले रहा था। हैरत की बात तो यह है कि आरोपित का पिता भी उसके साथ ही रहता था। उसने इसको लेकर आपत्ति नहीं की। घटना कोलकाता के बेहला थाना इलाके के जेम्स लांग सरणी की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर वृद्धा का शव बरामद किया। बीना मजुमदार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बड़े पद से रिटायर हुई थी। करीब 3 साल पहले बीमारियों की वजह से बीना की मौत अस्पताल में हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे शुभव्रत मजुमदार ने शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे घर के अंदर ही फ्रीजर में रख दिया था। बेटे ने लेदर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है और मां के शव को संरक्षित करने के लिए रसायनों का इस्तेमाल करता था। उसके पिता गोपाल चंद्र मजुमदार उसी के साथ रहते हैं, वो भी FCI में बड़े पद से सेवानिवृत्त हैं। मां बीना मजुमदार को 50,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलती थी। माना जा रहा है कि पेंशन लेते रहने के लिए शुभव्रत ने ऐसा किया था। बताया गया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी वो कोई नौकरी नहीं करता था और माँ बाप के पेंशन से ही गुजारा कर रहा था।
पुलिस को अस्पताल प्रशासन ने बताया कि 7 अप्रैल 2015 को रात 8 बजे बीना को भर्ती कराया गया था और उसी दिन 9:55 पर उनकी मौत हो गई थी। मां की मौत के बाद अस्पताल से मिले डेथ सर्टिफिकेट को छिपाकर बेटे ने अवैध तरीके से लीविंग सर्टिफिकेट बनवा लिया था। शुभव्रत उनके अंगूठे के निशान को लेकर बैंक जाता था और कहता था कि काफी उम्र हो जाने के कारण वो हस्ताक्षर करना भूल गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। बुलेटिन में हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा के अंतिम गांव पर स्वच्छता अभियान के अलग जगाने की कोशिश की गई है। महोबा के कुलपहाड़ तहसील के गांव धवर्रा ग्राम पंचायत में डॉक्टर राकेश मिश्रा के माता पिता की पुण्यतिथि में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचते ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम उन राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं हैं जो देश में जातिवाद का जहर घोलकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं, बल्कि बुंदेलखंड के युवाओं का पलायन रोकने के लिए तमाम योजनाएं लाए हैं। बुंदेलखंड के इतिहास में इतने बड़े विकास की जो अभिकल्पना है इसके पहले नहीं हुई, इससे बुंदेलखंड के जो नौजवान हैं उनको बाहर उनका पलायन रुकेगा और जो हमारे उद्योग धंधे लगेंगे या अन्य हमारी विकास की गतिविधियाँ होंगी तो यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि सरकार बुंदेलखंड में विकास को बढ़ावा देने के लिए लैंड रोड बैंक बनाया गया है जिसमें उद्योग खोलने के लिए व्यापारियों को तत्काल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग नीति में हमने बुंदेलखंड को प्राथमिकता पर रखा है। हम लोग सरकार की जमीन पर लैंड बैंक बना रहे हैं जो उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए तत्काल भूमि उपलब्ध कराने का काम करेगा। 1 से 1.5 वर्ष बाद बुंदेलखंड में व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा। उनकी वो चीजें सफल नहीं होगी जो अवार्ड वापसी गैंग जैसे आता ना चुनाव तो असहिष्णुता जागने लगती है। लोग अपने पुरस्कार जो गलत प्रकार से पाए थे वो अपना वापस करना प्रारंभ कर देते हैं, अस्थिरता दिखने लगती है और जो चुनाव चले जाते हैं तो फिर वो अपने दड़बे में चले जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश मिश्रा के गृह गांव में पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ सुलभ शौचालय का लोकार्पण किया बल्कि बूंद बूंद पानी से तरस रहे बुंदेलों के लिए ग्रामीण पेय योजना की शुरुआत कर बुंदेलों को शानदार तोहफा भी दिया है। तो वहीं प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें भी दी। एनीवन न्यूज के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके का प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट एक अलग जगा रहा है। पता चला है कि जिले में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांगों के इलाज की इस एनजीओ ने जिम्मेदारी ली है। वहीं यह भी पता चला है कि एनजीओ के कुछ सदस्य ऐसे मरीजों का इलाज के लिए चंडीगढ़ लेकर जाते हैं जहां उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। एनजीओ के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने उपचार और इसकी लागत के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उनका एनजीओ बॉर्डर में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए कई सालों से काम कर रहा है। एनजीओ द्वारा किए गए कोशिशों की मरीजों ने जमकर सराहना की और इसके लिए उनका आभार जताया। हम चंडीगढ़ जा रहे हैं आंखों के ऑपरेशन कराने के लिए। हमारी आंखों में रोशनी आई तो हमें बहुत खुशी होगी। शुक्रिया उनका, बहुत शुक्रिया प्रीतम दास का, बहुत शुक्रिया। हमारा किराया और गाड़ी का खर्चा सब उनका है, ऑपरेशन ही फ्री है, हमें बहुत शुक्रिया करते हैं। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से पुलिस की वर्दी पहनकर लूट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ मिलकर लूट को अंजाम देता था।
हाईवे पर आते जाते लोगों को रोक कर तमंचे के बल पर अपने घर ले जाकर नशा देकर नशे की हालत में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर ठगी करते थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। युवक अपने साथियों के साथ मिलकर लूट और ठगी करता था। जी, इसमें पुलिस को शिकायत मिली थी, दो युवक और एक उनका संगठन गैंग मिलकर कुछ लोगों को पुलिस वाले बनकर मूर्ख बनाते हैं, उनसे धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर जांच शुरू की, जिसमें कि एक युवक राम सिंह गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ पर इसने बताया कि इसके एक साथी एक युवक संजीव उर्फ विवेक है और उनकी एक पत्नी है लकी। ये तीनों और इनके साथी मिलकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये काफ़ी समय से सिविल लाइन्स थाने में संजीव जो है अपना आप कांस्टेबल बताता था और वहीं थाना क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करता था और उनसे अलग अलग कार्य करवाने के बहाने उनसे पैसे ऐंठता था। यह भी जानकारी में आया कि इन्होंने रात में चेकिंग के बहाने लोगों को रोक कर उनसे वसूली की। वहीं लोगों को अपने घर ले जाकर नशा देकर नशे की हालत में महिला साथी के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर धमका कर पैसे भी वसूलता था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके दो साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। नोएडा के सेक्टर 132 स्थित स्टेप बाय स्टेप स्कूल में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। स्कूल में जहरीला खाना खाकर 25 बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में सभी को स्कूल प्रबंधन ने अपोलो और मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों को स्कूल में ही बुलाकर बच्चों का इलाज करवाया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन मामले की लीपा पोती में जुट गया। रात को मामले में गौतम बुद्ध नगर के सिटी मजिस्ट्रेट ने स्टेप बाय स्टेप स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत की झोली में दूसरा गोल्ड मेडल आ गया है। भारत की स्टार वेटलिफ्टर संजिता चानू ने 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। पहले दिन भारत की मीराबाई चानू ने देश का पहला गोल्ड दिलाया था। वहीं पुरुष वर्ग में भारत के गुरु राजा ने सिल्वर मेडल जीता था। वेटलिफ्टर गुरु राजा पुजारी ने 56 किलोग्राम कैटेगरी में 249 किलोग्राम वजन उठाया था। इसके साथ ही भारत के 4 पदक हो गए हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को मीराबाई ने 86 किलोग्राम वजन उठाकर 2 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।